दोस्तों आज है 30 मई और आप देख पा रहे हो बाहर बहुत ही तूफान बारिश चल रही है। साइक्लोन काफ़ी तेज़ चल रहा है। आशा करता हूँ कि किसानों का कोई भी नुकसान ना हो। आप बिल्कुल देख पा रहे हो इस साइड में आप केले का बगीचा देख पा रहे हो। देखिए देखिए कितना ख़तरनाक यहाँ पे साइक्लोन चल रहा है। बहुत ही आप देख पा रहे हो अभी जस्ट हमारे पेड़ के ऊपर गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है। इंस्टेंट अभी जस्ट गिरा है। आपने आप देख रहे हो ये जो पेड़ है ये अभी इंस्टेंट गिरा है। इतना भारी और ख़तरनाक साइक्लोन बाहर चल रहा है। दोस्तों नसीब की बात है। देखिए आप देख पा रहे हो पेड़ कहाँ से टूटा है। एक गाड़ी पर भी गिर सकता था। काफ़ी नुकसान होते बचाऊ भाई साहब। ऊपर वाला किसी की भी लाइफ में ऐसा दिन बिल्कुल ना लाए। मैं आज बाल बाल बचाऊ। दोस्तों सेफ रहे। अभी आज का जो माहौल चल रहा है बहुत ही साइक्लोन का चल रहा है। गुजरात में काफ़ी साइक्लोन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है किसानों का। नमस्कार किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई अपने वीडियोस का वेट कर रहे थे। काफ़ी किसानों का मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया। काफ़ी किसानों के फ़ोन भी आए। दोस्तों कोविड के चलते कुछ हेल्थ ठीक नहीं था, इस कारण मैं किसी के संपर्क में नहीं था। सेकंड थिंग आज भी मैं प्लानिंग में नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप देख पा रहे हो काफ़ी तेज और तूफानी बारिश यहाँ पर हो रही है। नसीब की बात कहूँगा दोस्तों, आप किसान भाइयों का मेरे साथ आशीर्वाद होने के कारण मैं आज बचाऊ, ऐसा मेरा मानना है। देखिए सामने जो आप ये पेड़ देख रहे हो, आपने फर्स्ट एक वीडियो देखा, ये वीडियो जस्ट मुझे माइंड में आया, एक थॉट आया कि मैं यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो बना लूं। जस्ट अभी यहाँ पे क्या बहुत तेज साइक्लोन चल रहा था और बहुत तेज बारिश का आगमन हुआ, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए जब प्लानिंग किया तो आप जो बैकग्राउंड में सामने देख रहे हो ये अमरूद का पेड़ है। काफ़ी बड़ा पेड़ है, तकरीबन 8 से 9 साल पुराना पेड़ है। मैं जस्ट वीडियो शूट कर ही रहा था कि पेड़ गाड़ी के बिल्कुल बगल में गिरा है। एक नसीब की बात है, अगर गाड़ी पे गिरा होता तो पॉसिबिलिटी क्या है आप सोच सकते हो कि कितना भयंकर सीन हुआ होता, मंजर क्या हुआ होता। एक्चुअली काफ़ी नुकसान या फिर कुछ अनहोनी भी हो सकती थी हमारे साथ। बस आप जैसे किसान भाइयों की दुआ है, आशीर्वाद है हमारे साथ, तो मैं आप सेफ हूँ। और जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, आज है 30 मई, बारिश देख सकते हो आप। सामने केले का बगीचा है। अभी साइक्लोन पूरा शांत हो चुका है और काफी तेज बारिश अब यहाँ पे हो रही है। मतलब कहावत है कि जून महीने में बारिश का आगमन होता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 मई जो कि जून का शुरुआत हुआ भी नहीं है और बारिश का आगमन हो चुका है। तो जो भी किसान भाई अपने इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाना बताना ना भूले कि आप किस एरिया से हो और आपके एरिया में बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो और जो भी किसान भाई अपने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि हमारा जो वर्क है ये हॉर्टिकल्चर में है। और दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको, आज तक मैंने क्या है कि बहुत दिनों से वीडियो बनाने स्टॉप कर दिए थे आपके सामने, कोविड के चलते मैं आ नहीं पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी क्रिएट हुए थे। तो अभी मैं जस्ट सेफ हूँ और अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होने जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश के एक लोकेशन पे हो रहा है। अभी जस्ट आज हम वहाँ पे निकलने वाले हैं। वहाँ पे मैंगो और स्वीट लेम का प्लांटेशन होने जा रहा है, तो अभी इंस्टेंट मैंगो का प्लांटेशन होगा और मैंगो जो होगा वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में होगा। तो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे, एक या दो वीडियो में मैं आपको सारी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। उस प्लांटेशन का लोकेशन या प्लांटेशन की मेथड आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे। ये वीडियो मैं आज ही के डेट में, आज है 30 मई, आज ही के डेट में मैं इसे अपलोड करूंगा और 1 से 2 दिन के बाद आपको नई वीडियो भी अपनी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मुझे काफ़ी खेद है, मैंने जो एक श्रृंखला तैयार करी है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, उसके ऊपर मैं अपडेट नेक्स्ट वीडियो बना नहीं पाया। ये प्लांटेशन के वीडियो के बाद हम रेगुलरली टच में रहेंगे। तो जो भी किसान भाई अपने चैनल को नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जुड़े रहिए अच्छे अच्छे नॉलेज के लिए। और नए टेक्निकली जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, इसकी आप सारी बहुत सारी श्रृंखलाएं अभी अपने चैनल पर स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों जो भी किसान भाई नई प्रेरणा के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने चैनल पर जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे। टिल देन बाय बाय।